टाइटैनिक जहाज करीब 111 साल पहले अंधेरी रात में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। उस अंधेरी रात में ज्यादातर यात्री नींद में सो रहे थे। जब ये हादसा हुआ तो जहाज करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर था। साल 1912 में 14 और 15 अप्रैल की रात अटलांटिक महासागर में समा गया। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। आज भी इस हादसे को सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। अब इस बीच एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल एक छोटी पनडुब्बी लोगों को टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए गई थी, जो चालक दल के साथ 19 जून से अटलांटिक महासागर में लापता है। अभी तक इस पनडुब्बी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। खोजी दल उस पनडुब्बी को तलाश रहे हैं, जो पर्यटकों को लेकर दुनिया के सबसे चर्चित जहाजों में से एक टाइटैनिक के मलबे को देखने निकली थी। रविवार को डुबकी लगाने वाली इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था और तब से ही इसे खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूएस कोस्ट गार्ड के मुताबिक डुबकी लगाने के 1 घंटा 45 मिनट बाद इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था। टूर कंपनी ओशन गेट की इस छोटी पनडुब्बी में 5 लोग सवार थे। कंपनी का कहना है कि पनडुब्बी की खोज के लिए हर विकल्प का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टूर के दौरान पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास समंदर में 3800 मीटर नीचे डुबकी लगाती है। अधिकारियों के मुताबिक सरकारी एजेंसियां, अमेरिका और कनाडा की नौसेनाएं और व्यावसायिक रूप से समंदर की गहराई में जाने वाली कंपनियां इस खोज अभियान में जुटी हैं। टाइटैनिक का मलबा उत्तरी अमेरिका के समंदर के सबसे करीबी बिंदु कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्स से 700 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में है। हालांकि इस पनडुब्बी की खोज का अभियान अमेरिका के बोस्टन से चलाया जा रहा है। लापता पनडुब्बी ओशियन गेट कंपनी की टाइटन सबमर्सिबल है, जो एक ट्रक के बराबर बड़ी है और इसमें 5 लोग सवार हैं। आमतौर पर इस पनडुब्बी में आपात स्थिति में 4 दिन की ऑक्सीजन होती है। सोमवार दोपहर अमेरिकी कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मॉविन ने एक प्रेस वार्ता में कहा, हम अनुमान लगा रहे हैं कि पनडुब्बी को खोजने के लिए हमारे पास 70 घंटों से लेकर 96 घंटों तक का समय है। उन्होंने कहा कि इस पनडुब्बी की तलाश में 2 विमान और 1 पनडुब्बी और सोनार से लैस तैरते बांध लगाए गए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस इलाके में ये खोज अभियान चल रहा है वो बहुत दूर है और इसकी वजह से अभियान में मुश्किलें भी आ रही है। रियर एडमिरल ने कहा कि बचाव अभियान में लगे लोग इस अभियान को व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं और पनडुब्बी में सवार लोगों को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ब्रिटेन के अरबपति कारोबारी हामिश हॉडिन के परिवार का कहना है कि वो भी इस पनडुब्बी पर सवार है। 58 वर्षीय हॉडिन एक एक्सप्लोरर भी है। पिछले सप्ताहांत हॉडिन ने सोशल मीडिया पर कहा था, मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैं टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाले अभियान का हिस्सा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूफाउंडलैंड में पिछले 4 दशकों की सबसे भीषण सर्दी की वजह से 2023 में टाइटैनिक तक जाना वाला ये अकेला मानवीय मिशन भी हो सकता है। बाद में उन्होंने लिखा, मौसम की वजह से एक मौका बना है और हम कल डुबकी लगाने का प्रयास करेंगे। ओशियन गेट ने एक बयान में कहा है कि उसका पूरा ध्यान पनडुब्बी में सवार लोगों और उनके परिवारों पर है। कंपनी के बयान में कहा गया है, हम पनडुब्बी के साथ फिर से संपर्क करने के प्रयासों में कई सरकारी एजेंसियों और डीप सी कंपनियों की तरफ से मिल रहे व्यापक सहयोग के लिए बेहद आभारी है। लापता पनडुब्बी कार्बन फाइबर से बनी है। इसकी यात्रा के प्रचार में कंपनी दावा करती है, ये रोजमर्रा की जिंदगी के बाहर कुछ वाकई असाधारण खोजने का मौका है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक एक अभियान जारी है और जून 2024 के लिए 2 और अभियान तय हैं।